शुक्रगुजार हूँ ऑडियंसेस का कि उन्होंने फिल्म को अप्रिशिएट किया है और मुझे ये मुकाम तक पहुँचा है। दरअसल फिल्म को रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई क्योंकि 11 महीने से केस चालू था, बॉम्बे हाई कोर्ट में केस चालू था इस फिल्म के खिलाफ। आरुषि तलवार के पेरेंट्स ने उन्होंने केस करके रखा था क्योंकि उनका ये कहना था, उनका ये आरोप था कि ये जो फिल्म है रहस्य वो उनके केस पर आधारित है। और हम केस आखिरकार 27 जनवरी को जीते, बस रिलीज से 3 दिन पहले। इस करके मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स वाईकॉम 18 को टाइम नहीं मिला बिल्कुल प्रमोट करने का, हमें सिर्फ 3 दिन मिले फिल्म को प्रमोट करने और रिलीज़ करने के लिए। तो इस करके फिल्म की ओपनिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ा, लेकिन बाद में वर्ड ऑफ माउथ से और ऑडियंस के अप्रिसिएशन से फिल्म चल पड़ी और अब जाके 5वें हफ्ते में है, 5th वीक में है अभी। तो आजकल ज़्यादा करके कोई फिल्म 1 हफ्ता 2 हफ्ता से ज़्यादा चलती नहीं है, और ख़ास करके इस तरह की फिल्म जिसको प्रमोशन नहीं मिली हो, जिसमें बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं हो, ऐसी फिल्म का 5th वीक तक चलना। मैं काफ़ी आभारी हूँ कि ऑडियंस ने हमें इतना साथ दिया। रहस्य के साथ साथ ही 30 जनवरी को 2 और फिल्में रिलीज़ हुई थी, हवाई ज़्यादा और खामोशियाँ। ये दोनों की दोनों फिल्म, हवाई ज़्यादा 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चली, दूसरे हफ्ते में आई नहीं, और खामोशियाँ 2 हफ्ते के बाद उड़ गई, 3रे हफ्ते में आई नहीं। लेकिन रहस्य अभी 5th वीक में भी अभी भी बरकरार है, थिएटर्स में है, लोग जा रहे हैं देखने के लिए, और इंशाल्लाह 6th वीक भी होगी। तो बस मैं ऑडियंस का शुक्रगुजार हूँ, मैं वाईकॉम 18 का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरी स्टोरी में बिलीव किया, और इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिन्होंने मुझे कोर्ट में भी सपोर्ट किया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे सपोर्ट किया और फिल्म को दर्शकों तक पहुँचाया। काफ़ी संभावना ये थी और मैं कई बार ये भी सोचता था पहले कि शायद ये फिल्म रिलीज़ होगी ही नहीं और ये बस डब्बे में पड़ी रहेगी, लेकिन वाईकॉम 18 का इतना सपोर्ट रहा लीगल एंगल से भी और डिस्ट्रीब्यूशन एंगल से भी कि उन्होंने आखिर फिल्म को जो कोर्ट कचहरी के चक्कर से निकाल कर थिएटर में डाल ही दिया। आखिर ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, इसकी मुझे कोई खास गिला शिकवा नहीं है क्योंकि अप्रिसिएशन तो मिल गई है, जितनी अप्रिसिएशन मिली है, जो अक्लेम मिला है वो किसी ब्लॉकबस्टर के बराबर ही है। क्योंकि 20 साल बाद 30 साल बाद कोई ये याद नहीं रखता कि फिल्म ने कितने पैसे कमाए थे, वो ये याद रखते हैं कि फिल्म कितनी अच्छी थी और देखने में उनको कितना मज़ा आया। आजकल क्या हो गया है कि स्टार्स और एक्टर्स थोड़े से मिक्स हो गए हैं, तो कोई कोई ऐसे स्टार्स हैं जो एक्टर्स हैं और कोई एक्टर्स हैं जो स्टार भी बन गए हैं, तो देखते हैं, लेट्स सी, आई एम ओपन ईदर वेज, लेकिन एक्टर होना ज़रूरी है, ये है, जो मेरे फिल्म में जो भी होगा वो ज़रूर एक्टर होगा, हो सकता है वो स्टार हो सकता है स्टार ना हो, लेकिन एक्टर ज़रूर होगा। मैं किसी ऐसे स्टार के साथ काम नहीं करूँगा जो एक्टर नहीं है, चाहे उसके साथ कितना भी कमर्शियल सक्सेस मिले ना मिले उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं किसी नॉन एक्टर के साथ कभी काम नहीं करूँगा। नया प्रोजेक्ट है, इसका नाम है सिन्हासन, ये औरंगज़ेब की कहानी है, तो उसकी कहानी को मैंने मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट में डाला है, आज के दौर में डाला है, और मैंने इसको एक कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में दिखाया है कि तो कहानी है औरंगज़ेब की, उसके पिता जो शाहजहाँ हैं उसके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट होता है सिन्हासन के लिए, तो ये कहानी है।